हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिडा के शेयर पे। फ्रेंड्स, स्टॉक की अपडेट आई है, अपडेट क्या आई है और इस अपडेट के बाद इस स्टॉक में कैसा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही है क्योंकि स्टॉक ने अपने हाई से काफ़ी नीचे आ गया है या फिर अभी इसमें और गिरावट बाकी है, क्या कुछ इस स्टॉक में आने वाले टाइम में आपको स्ट्रेटजी अपनानी है, डिटेल से समझेंगे। उससे पहले अगर पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले तो हम अपडेट समझेंगे, फिर हम चार्ट पे बात करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है एरिडा के बारे में, भारतीय सरकार ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट QIP रूट्स के जरिए एक या अधिक चरणों में कंपनी में 7% तक हिस्सेदारी को बेचने की मंजूरी यहाँ पे दे दी है। तो भाई ये जो है भारत सरकार ने इसको अपनी भाई मंजूरी दे दी है कि 7% तक की ये भाई अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। ये थी अपडेट, चलते हैं अब चार्ट पे। तो यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया था कि ये एक स्पोर्ट है जो कि 232 का, लेकिन अगर आप देखोगे तो मार्केट इसी जोन में ट्रेड कर रही है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा इससे नीचे। तो यहाँ पे एक आप जोन क्रिएट कर सकते हो, स्पोर्ट जोन। अगर ये इसका ब्रेकडाउन करती है तो फिर ये 194 तक जाएगी। बाकी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 232 के ऊपर, क्लोजिंग देके और कंफर्मेशन देती है ब्रेकआउट का तो भाई स्टॉक में फिर से अप ट्रेंड शुरू हो गया, अदरवाइज अब भी इसमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे भाई जो भी अपडेट है वो ज़्यादा पॉजिटिव तो हम नहीं कह सकते, बाकी जो सेल प्राइस होगा वो देखना होगा, उसके बेस पे मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के दिन इसका जो करंट प्राइस है 230 का है, आज जो तेज़ी देखने को मिल रही है वो 3.23 की परसेंटेज के अकॉर्डिंग 1.37% की इसमें आज तेज़ी देखने को मिल रही है। बाकी आपने कितने प्राइस पे कितने क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखी है आप कमेंट करके बता सकते हो, और क्या आप इस स्टॉक की और भी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं या नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो अगर ये यहाँ पर आता है 194 तो ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को ऐड करना, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में ये अच्छे रिटर्न आपको दे सकते हैं, इस पर आप नज़र बना के रख सकते हो। बाकी इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है, मैं किसी को पर्सनल रिकमेंड नहीं करती कि आप इस स्टॉक में बाई करो, सेल करो या होल्ड करो।